इतनी कम चीजों से हम कोफ्ता ही बना सकते हैं। और अगर किसी ने भी खाने की सामग्री ज्यादा ली और उसे वेस्ट किया तो होगी निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग मतलब आपकी बनाई हुई डिश में से अगर कुछ भी सामग्री बचती है तो आपके कमाए गए अंकों में से आपके अंक काट लिए जाएंगे। तो करना क्या है, आपको काउंट देने के बाद आपको वहां जाना है, जिसके हाथ में जो आता है खुश हो जाइए और शुरू हो जाइए। आप लोगों के पास है सिर्फ 30 मिनट। विल गिव यू द काउंट 5, 4, 3, 2, 1 गो। थोड़ा सा हमें मिल सकता है वो, हमें भी चाहिए। हमारे क्या असर होता है, अपने ना अपनी अम्मी का दलिया, सॉरी अम्मी का दलिया नहीं, अम्मी का प्यार, बड़ा जायकेदार। ये क्या हो रहा है, अल्लाह सब कुछ खत्म हो गया, इतनी चीजों में तो कोफ्ता भी नहीं बन सकता, हम ये राउंड कैसे जीत पाएंगे? जसपाल इतने ज्यादा लेके आ गए, माइनस मार्किंग हो जाएगी, रख के इनको। क्या बात कर, या अल्लाह इन दो चार चीजों से कबीर कौन सी डिश बनाएगा, इन सबका तो आपस में कोई मेल ही नहीं है। क्या बात है विशाली कश्यप, तैयारियां तो बड़ी धूमधाम से चल रही है, पर आप बना क्या रही हैं? हम बना रहे हैं नानी के लड्डू। आप कहां तक पहुंची नीति जी? आटा गूंथ चुके हैं, मसाला तैयार करके उसको बस एक बार भुनना है। मिस्टर कबीर अहमद, आप क्या डिश घर से मंगवा रहे हैं? अब तक आपने कुछ बनाना शुरू नहीं किया। देखिए मिस्टर कबीर, चमत्कार ना सिर्फ एक बार होता है, और पिछली बार ना वो चमत्कार ही था जो हम लोगों को आपकी डिश पसंद आ गई। ऐसे चमत्कार रोज रोज नहीं होते मिस्टर अहमद। अगर आपने अभी कुछ नहीं बनाया ना तो आप सेकंड राउंड से बाहर हो जाएंगे। कबीर कुछ करो, ऐसे खड़े मत रहो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास। ये हमारी पुरानी डायरी है जिसे हमने ढूंढ के निकाली है आपके लिए, वक्त मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा।
हमने आपका काम आधा अधूरा नहीं छोड़ा है, बल्कि आपके काम को पूरा अंजाम दिया है हमने। क्या बकवास कर रहे हो? क्या अंजाम पे पहुंचाया? अगर अंजाम पे पहुंचाया होता ना तो कबीर उस कंपटीशन के वेन्यू नहीं पहुंच गया होता। इसकी शिकायत तो हमें आपसे करनी चाहिए। आपने दरवाजा बंद करने को कहा, हमने दरवाजा बंद कर दिया। उसने हमारा पूरा गैराज तोड़ दिया। गैराज का दरवाजा तोड़कर भाग गया आपका लड़का, एक ग्राहक की गाड़ी का नुकसान कर दिया। आपका बेटा, ये आदमी, इसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है तुम्हें, समझे? और जरा औकात में रहकर बात करो। नवाबों के सामने फटीचरों का मुंह खोलना भी गुनाह होता है। और पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हो रही है तुम्हें? हमने कहा था तुमसे कम से कम 4 घंटे कबीर को वहां बंद करके रखें। और आज के बाद तुमने पैसे मांगने की जरूरत भी की ना, कसम खाते हैं कपड़े उतरवा कर तुम्हें शहर भर में नचवाएंगे हम। हमने कहा था तुमसे कम से कम 4 घंटे कबीर को वहां बंद करके रखना। फिर से इस लड़की के बहकावे में आ गए तुम। इस लड़की का असली चेहरा पहचानो तुम, गलत रास्ता दिखा रही है तुम्हें। अभी कोई कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लेना है, चलो घर हमारे साथ। हम तुम्हें एक यूथ लीडर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अभी हमको ना आइसक्रीम चाहिए, पिज्जा चाहिए और सब कुछ चाहिए। हमने आपका मुकाबला देखा, हमें बहुत मजा आया। यार कबीर, हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि हमारे भाई में इतना बड़ा टैलेंट छुपा है तो हम घर से बाहर जाते ही नहीं। ये तो अच्छा ओमान का जिसने मैं बताया कि तुम फाइनल राउंड में पहुंच गए हो। यार तुम्हें जीतता हुआ देख के इतनी खुशी हुई ना कि बयान नहीं कर सकते। हम जरा कुछ तो नहीं, बस ये तुम्हारे बचपन की मिठाई यार, तुम्हारी फेवरेट वाली, जो हम दोनों साथ बैठकर खाते थे यार। अब हमें माफ करना यार, ये हम छोटा सा डब्बा ले आए इसे। अरे यार वो अबू थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं ना, बस इसीलिए, वरना हम पूरे लखनऊ शहर में हंगामा कर देते, सबको बताते कि हमारा भाई जीता। ये मिठाई तुम्हें खानी पड़ेगी यार। तुम ठीक हो मियाँ? आप जानते हैं कभी कभी ना इंसान के जज्बे जीत जाते हैं, लेकिन वो इंसान हार जाता है। आज जज्बे जीत गए किशान भाईजान, हम हार गए। नहीं, हमारा भाई नहीं हार सकता, तुम नहीं हार सकते यार, हमें यकीन है। हाँ।
अब क्या हुआ, फिर से फोन क्यों कर रहे हो? आपने ऐसा क्यों किया? कबीर, आपने अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपका ये जहर बस काम कर जाए और वो बुढ़िया इतनी बीमार हो जाए कि घर से बाहर जाने का सोचे भी ना। अपनी माँ को कबीर बीमार पाकर फाइनल्स में बाहर नहीं जाएगा। कबीर बाहर नहीं जाएगा तो घर पर होगा और किसी को शक भी नहीं होगा कि ये काम हमने किया है। ये बहुत शरारती हो गए जीनत। दादी हाँ, अब हमारे लिए मुंबई से क्या लेके आओगे? जो तुम कहोगे वो ले आएंगे। क्या चाहिए ये बोलो। अम्मी आप भी क्या खा? रुखसार, अच्छा हुआ तुम आ गई। पैकिंग कराने में अम्मी की थोड़ी हेल्प कर दो। देख लो इन्होंने दवाइयाँ ठीक से रखी है कि नहीं रखी है, क्योंकि बहुत लापरवाह हो गई हैं आप। दवाई क्यों बजो? अम्मी आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है रुखसार। वो ब्लड प्रेशर की दवाई रखने की बात कर रही थी जीनत, बिल्कुल ठीक है। अम्मी वो सब कुछ हम कर लेंगे, आप चाय पीजिए। शुक्रिया। काशान बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर देखो कबीर की तैयारी हुई है या नहीं, उसकी मदद कर दो। जी बिल्कुल अम्मी, जैसा आप कहें। और तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, अम्मी को आराम की जरूरत है, रुखसार अम्मी का काम देख लेगी। चलो अमान जाओ। अम्मी हाँ बेटा। रुखसार क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं। हम आते हैं। ये कमबख्त हमारी हमारी तबीयत को क्या हो गया है? ऐसी हालत में हम कबीर के साथ नहीं जा सकते, उसके ऊपर बोझ बन जाएंगे। अगर घर वालों को अपनी तबीयत बता दी तो कबीर परेशान हो जाएगा, वो फाइनल में जाना कैंसिल कर देगा।
या अल्लाह क्या करें। ये आप क्या कह रही हैं बेगम? जारा क्यों जाएगी कबीर के साथ? इसमें पूरा ही क्या है? आप बैठ जाइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम ठीक है। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि इसमें बुरा ही क्या है। कबीर फाइनल्स के लिए मुंबई जा रहा है, वहां उसे किसी साथ की जरूरत पड़ेगी। अगर वो साथ सारा देगी तो उसे अच्छा लगेगा ना? कैसे अच्छा रहेगा? एक नामहरम लड़की को ले जाना अपने साथ, इसकी क्या जरूरत है उसे? और क्या वो कोई जंग लड़ने जा रहा है क्या जो उसे किसी साथी की जरूरत है? अगर उसे किसी की साथ की जरूरत है तो अपने भाई कशान को ले जा सकता है, किसी गैर लड़की को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरा गैर नहीं है, अब तो दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? ये शब्द दोस्त सुनकर हमारे कान पक गए हैं। कहां की दोस्त, कैसी दोस्त है, किस हवाले से दोस्त है? शरीयत के या मजहब ने इजाजत दी है ने? देखिए आप सब ये बात अच्छी तरह सुन लीजिए, समझ लीजिए। वो और जारा कभी मियां बीवी थे, अभी नहीं है, खुला हो गया है। अगर इसके बाद वो दोस्त रहते हैं तो ये नाजायज है, हराम है। ये बात समझ ली थी आप सब? माफ कीजिएगा भाईजान, बट बहुत जरूरत से एक बात कहना चाहते हैं। हम आप बैठिए। आप जो ये दोस्ती के रिश्ते पे इल्जाम लगा रहे हैं, उसको हराम करार दे रहे हैं, ये वही रिश्ता है भाईजान जिसने जारा और कबीर को एक दूसरे का एहसास समझने का मौका दिया है। और जिस रिश्ते को आप अजीम करार दे रहे हैं भाईजान, वो रिश्ता जो कबूल है कि दो लफ्जों से शुरू होता है और खुला तलाक नाम के पेपर्स पे दो सिग्नेचर्स करके खत्म हो जाता है और दो लोगों की जिंदगियां जहन्नम कर देता है जैसे जारा और कबीर की करती थी। वो तो अल्लाह की मेहरबानी है भाईजान के इन दोनों में दोस्ती हुई और इन दोनों ने एक दूसरे को अलग तरीके से समझा। दोनों दोस्त बनके एक दूसरे को ऐसी रोशनी में देखने लगे भाईजान जो शायद से शौहर और बीवी के रिश्ते में कभी देख ही नहीं पाते। सबीना खाला, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। आप जो कुछ भी कह रही हैं वो सच है। माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ये सारे रिश्ते में बने बनाए मिलते हैं, लेकिन दोस्ती इसमें ईमानदारी होती है। ये रिश्ता हमें सुकून देता है और ये रिश्ता हम खुद चुनते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा अगर ये रिश्ता हराम है तो फिर हलाल क्या है? हमें लगता है हमें अब चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कबीर एक बात तुम भूलना नहीं, ये वही जमाना है, ये वही सारे लोग हैं जिसने तुम्हारे और जारा का खुला होने के बाद ना ही कोई प्रोटेस्ट और ना ही कोई एतराज जताया था। ये वो दुनिया है कबीर जो टूटने पे खुश होती है और जुड़ने में तकलीफ पे आ जाती है। इस दोस्ती ने तुम दोनों को उड़ान भरना सिखाया है, उड़ने के लिए पर्दे हैं कबीर। तुमने देखा जारा दोस्त बन के डिजाइनर है और तुम कुकिंग कॉम्पिटिशन के फाइनल राउंड में हो। अगर अब तुमने इस रिश्ते के साथ ना इंसाफी की ना कबीर, तो अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जारा, सबीना ठीक कह रही थी बेटा, तुम्हें कबीर के साथ जाना चाहिए। तुम हमारे बेटे का साथ दोगी ना?
हमें लगता है आप सबका दिमाग खराब हो गया है। बस इतना कह सकते हैं कि जारा कबीर के साथ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। सारा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें खुश रखे सारा बेटा। बहुत अच्छा किया जो तुम कबीर के साथ चली गई। अब तुम कबीर के साथ हो ना, इंशाल्लाह देखना कबीर कबीर जीत कर ही लौटेगा बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो आखिर इस बुढ़िया ने कबीर और जारा को एक साथ मुंबई भेज ही दिया। सारा के साथ कबीर को भेजकर हमारा जी जलाने वाली कमबख्त औरत, आज हम तुम्हें यही मार कर रहेंगे। तुम मर जाओगे तो कबीर को तो वापस आना ही पड़ेगा। तो कैसी दोस्ती, कैसी जारा, कैसा साथ, कैसी जीत। तो गई आयशा बेगम, इसे कहते हैं सांप मर जाओ और लाठी भी ना टूटना। हमने तो कुछ किया भी नहीं और आयशा बेगम तड़पने लगी। मदद करें मरने में? नहीं नहीं
मरने देते हैं, तड़पने देते हैं। और वैसे भी हमने तो किसी को बेहोश होते देखा ही नहीं ना, और जब हमने किसी को बेहोश होते देखा नहीं तो हम किसी को क्या बताएंगे, और जब तक सबको पता चलेगा तब तक तो आयशा बेगम मर चुकी होगी। तौबा तौबा। अल्लाह हाफिज अम्मी। चलिए अब कबीर को बुलाते हैं। The mobile number you have called is switched off. Please try again later. कबीर का फोन ऑफ है, इसका मतलब